जय जीवदानी। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर मैं कामिनी खन्ना, आप सभी प्यारे और सुंदर समझदार जो मेरा साप्ताहिक राशि भविष्य सुन रहे हैं, सबको देती हूँ इस सप्ताह की बधाइयाँ। आपको ये सप्ताह बहुत ही शुभ जाए। अभी अभी दशहरा बीता है और विजयादशमी आपने खूब दिल से मनाई होगी और विजय तिलक लगाया होगा। ये जो साप्ताहिक राशि भविष्य मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये तारीख 1 अक्टूबर से लेकर 8 अक्टूबर तक का ये साप्ताहिक राशि भविष्य है। और इस सप्ताह में होने वाली घटनाएं कुछ इस प्रकार हैं। 1 तारीख को मकर में है चंद्रमा और पाशा कुंशा एकादशी और मोहर्रम भी है। 2 तारीख को गांधी जयंती है, तो गांधी जयंती का ये उत्सव आप मनाइए, देश प्रेम का उत्सव आप मनाइए। 3 तारीख को भौम प्रदोष है और 4 तारीख को पूर्णमासी रात्रि 1:47 के बाद शुरू हो जाएगी। 5 तारीख को पूर्णमासी कंटिन्यू करेगी, को जागिरी पूर्णिमा शरद पूनम कहा जाता है, जिसे पूर्णिमा रात को 12:09 तक होगी। शरद पूनम की रात कई लोग चांद की रोशनी में दूध को रखकर पीते हैं, लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा कि उसमें कोई कीड़ा वीड़ा ना चला जाए, कोई इफेक्टेड नहीं हो जाए दूध। फिर 8 तारीख को है संकट चौथ, यानी कि करवा चौथ। और करवा चौथ की अभी से आप सबको देती हूँ मैं ढेर सारी बधाइयाँ। जो हमारी बहनें हैं जो करवा चौथ का व्रत रखेंगी, मेहंदी लगाएंगी और खूब सारा त्यौहार मनाएंगी, लाल कपड़े पहन के और व्रत उपवास रख के, उन सबको मेरी ओर से बधाई। वैसे मैं करवा चौथ के लिए आपके लिए कथा लेकर आऊँगी, बहुत ही प्यारी सी करवा चौथ की अपनी आवाज़ में, वो भी आप YouTube/beautywithastrology पे सुन सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल जानते हैं हम मेष से लेके मीन राशि तक का राशि भविष्य। इस सप्ताह में कोई भी ग्रह जो है वो चेंज नहीं हो रहा है, तो फिलहाल जो हम जानते हैं राशि भविष्य वो पूर्णमासी के हिसाब से चंद्रमा पूर्ण स्थिति में रहेंगे मकर राशि में। 1 तारीख को नक्षत्र होगा श्रवण। मेष राशि, मेष राशि के लिए चंद्रमा मकर में रहकर केतु के साथ आधे अधूरे काम का एहसास दिलाएंगे आपको आज के दिन और कल के दिन, लेकिन ये जो पूर्णमासी है वो आपके लिए घरेलू सुख लेकर आएगी। और साथ ही में आपको वाहन वगैरह अगर खरीदना हो, जो कि अभी मुहूर्त नहीं बनते तो भी आप खरीद सकते हैं। वैसे बता दूं कि माइंड पे मंगल शुक्र बैठने की वजह से रोमांटिसिज्म बढ़ा हुआ है माइंड पे, और जो विरोधी हैं वो ज़्यादा शार्प हो रहे हैं, तो उनका सामना भी आपको उसी प्रकार से करना पड़ेगा। तबीयत को संभालना है, विदेश रिलेटेड काम बनेंगे, खर्च आपके होंगे लेकिन व्यवसाय के ऊपर। वृषभ राशि, वृषभ राशि के लिए मंगल शुक्र जो है चतुर्थ में बनकर आपको आपकी माता को एकदम व्यक्तिमत्व उनका सुंदर बनाते हैं, आपके घर को आप सजाने की कोशिश करते हैं, रेनोवेशन करने की कोशिश करते हैं। तृतीय में राहु के कारण आपको काम मिल रहे हैं धड़ाधड़, और आपके सिबलिंग्स इसमें आपका साथ दे रहे हैं, लेकिन आपका मन मुटाव उनके साथ बना हुआ है। माइंड पे बुधादित्य योग आपको शार्प बनाता है और आप कोई भी डिसीजन लेने में फटाफट डिसीजन लेते हैं, विद्या पढ़ाई हो चाहे कुछ भी हो। विरोधियों का सामना अभी आपको करना पड़ रहा है और हेल्थ भी थोड़ी डाउन है। पत्नी और स्पाउस से अपनी अनबन को 26 अक्टूबर तक कंट्रोल में रखिए। और भाग्य से रिलेटेड जो आपको कठिनाइयाँ हैं उसके लिए आप कर सकते हैं शिव जी की आराधना। मिथुन राशि, मिथुन राशि के लिए आपके लग्न का स्वामी अब बहुत ही स्वस्थ है, लेकिन आपकी तबीयत उसने ख़राब करके रखी है, थोड़ी पेट में परेशानी और थोड़ी सी आपको हड्डियों से रिलेटेड परेशानी जो बनी हुई है केतु के कारण। और वैसे भी आपको अभी तो जो फ़र्क नज़र आएगा, जो आपके बच्चों से भी थोड़ा बहुत आपको शांति भी मिलती है, बीच में अनबन होती है, तो ये स्थिति को एकदम पार करने के लिए आप महालक्ष्मी की आराधना कर सकते हैं और साथ ही में आप कर सकते हैं शिव जी की आराधना। वैसे प्रैक्टिकली अगर चीज़ों को हैंडल करना है तो एक्सरसाइज कीजिए, योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। यात्रा में अगर आपको
ऐसा कोई साथी मिल जाए जिससे आपको लगाव हो जाए, तो कोई हर्ज नहीं, उनको जांच पड़ताल के अपने जीवन में ले सकते हैं। परिवार से थोड़ा बहुत दुखी हैं आप, और इस दुख को दूर करने के लिए आप बहुत सारा पानी पीजिए। और मैं प्रैक्टिकली अब की बार आपसे कहूँगी कि कोई भी आराधना करते हुए आप लोगों को ध्यान से जांचे परखें, उनसे दूर रहें या पास आएँ, या आपका डिसीजन है, लेकिन उसके लिए आप सही डिसीजन लें और प्रैक्टिकली चीज़ों के लिए आगे बढ़ें। कर्क राशि, कर्क राशि के लिए आपके लग्न का स्वामी मकर में अभी केतु के साथ, लेकिन सन्मुख आपको देखकर थोड़ा सा मुस्कुराता हुआ, और आप आज का दिन बेटर फील करेंगे। कल भी आपके परिवार में जो हैं आपके खुशी हैं, और आपको खुशी है अपने परिवार से, आपने सौहार्द बना के रखा है अपने परिवार में, प्रेम प्यार से रह रहे हैं आप, और आपका पराक्रम बढ़ा हुआ है, आपका तेज ओज बढ़ रहा है, आपके सिबलिंग्स आपको साथ दे रहे हैं। आपका माइंड थोड़ा सा अभी पॉल्यूटेड है, आप दुखी हो रहे हैं, उदास हो रहे हैं अपने कार्य को लेकर, अपनी शादी को लेकर, तो इन सब स्थिति से उदास मत हो, ये 26 अक्टूबर के बाद आपका भाग्य चमकेगा। सिंह राशि, सिंह राशि के लिए लग्न में बैठा मंगल शुक्र आपको बनाता है रोमांटिक, हालांकि मंगल जो है वो आक्रामक स्थिति भी लाता है लाइफ में, और द्वादश में राहु बैठने के कारण आपको विदेश रिलेटेड यात्राओं में थोड़ा कष्ट हो सकता है, और अनाप शनाप खर्चे हो सकते हैं विलासिता में, ऐश्वर्य में। आपके बुधादित्य योग आपके द्वितीय में बनने के कारण परिवार से फुल सपोर्ट है, और पैसा जो खर्चा हो रहा है तो नेचुरली पैसा आ भी रहा है, लेकिन ये जो पैसा आ रहा है उसको संभाल के रखिए। ये जो आपका उत्साह कम हो रहा है उसके लिए आप महालक्ष्मी की आराधना कर सकते हैं, अदरवाइज आप सूर्य को जल चढ़ाइए, वो आपके लिए सबसे बेहतर है। कन्या राशि, कन्या राशि के लिए लग्न में बैठा सूर्य बुध आपको बनाता है तेजस्वी ओजस्वी, आप हर कार्य करने के लिए तत्पर रहते हैं, आप नेतागिरी में बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं, आपके जीवन में कोई प्रवेश कर चुका है या कर लेगा, आपको पैसे मिलेंगे जगह जगह से, आपके पराक्रम में थोड़ी कमी है लेकिन आपको काम बराबर मिल रहा है, स्थिति अच्छी है लेकिन माइंड थोड़ा सा पॉल्यूटेड है केतु के वजह से, और आप ऑकल्ट साइंसेस में ज़्यादा कूद रहे हैं, तो मत कूदिए, परिवार वाले आपके इससे नाराज़ हो जाएंगे। अपने वाणी में सात्विकता रखिए, वो गुरु की वजह से आएगी ही आएगी, और अगर आप सिंगर हैं तो इस साल आपका नाम होने के भी पूरे चांसेस हैं। तुला राशि, लग्न में बैठा गुरु आपको बनाता है सात्विक, और साथ ही में इसकी जो पंचम दृष्टि आपके माइंड पे बैठती है वो आपको पूजा पाठ कराती है, और आपको शादी के पूर्ण योग बनते हैं। अगर विवाह योग्य लोग शादी करना चाहते हैं तो बिल्कुल करें, लेकिन अपनी ज़ुबान पर थोड़े दिनों तक आपको 26 अक्टूबर तक कंट्रोल रखना है, शनि महाराज बैठे हैं वहाँ। अभी तो चतुर्थ में चंद्रमा 2 दिन आपको बेचैनी दे सकता है, और काम पर आप ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करोगे क्योंकि आपको आगे बढ़ना है। आपके लाभ में बैठा शुक्र मंगल आपको पत्नी पार्टनर से लाभ दिलाता है, और साथ ही में पैसा आता है उन्हीं की वजह से, प्रेम संबंधों में और विदेश यात्राओं में आपको लाभ होगा। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि के लिए लग्न में बैठा शनि आपको एक पर्सनालिटी जिद्दी सी देता है, आप कुछ गलत से डिसीजन ना लो, इसका आपको खुद ध्यान रखना है। आपके द्वादश में बैठा गुरु आपको प्रेम संबंधों में अधूरापन देता है, तबीयत खराब करता है, और ये तबीयत खराब से आप थोड़े चिड़चिड़े होते हैं, परिवार से नाराज़ रहते हैं, और गलत डिसीजन ना ले, ये आपका आगे का एजेंडा होना चाहिए। पैसे आ रहे हैं आपको खूब भर भर के, और साथ में आपके दशम में बैठा मंगल शुक्र आपके काम के स्थान पर आपका कोई अफेयर करवा सकता है, इससे आपको शादीशुदा हैं तो आपको बचना है, क्योंकि 26 अक्टूबर तक आपकी स्थिति जो है वो ठीक नहीं है मानसिक रूप से, और आपकी जो सिबलिंग्स हैं उनसे आधा अधूरा साथ मिलता है आपको, लेकिन इन शॉर्ट आपके काल सर्प योग बनने के कारण कुंडली में आपको जीवन में आधा अधूरा योग आधा अधूरापन लगता है। अब शिव जी की आराधना करें। धनुराशि, आपके लग्न का स्वामी अभी स्वस्थ है, लेकिन आप सामने से बढ़ के काम नहीं मांगते, इस वजह से आपके कार्य में कमी। आपके दशम में बैठा सूर्य बुध आपको तरह तरह के काम दिलवा सकता है, आपको कूद जाना चाहिए काम में, आपको सामने मांगना चाहिए काम। बढ़ के मीना थाम ले मीना उसी का है कहा जाता है,
आपके प्रेम संबंध और आपकी दोस्तों के वजह से आप दुखी हो, लेकिन आप विदेश यात्राओं को भी टाल के रखो और दोस्ती को एक तरफ रख के आप फिलहाल काम पे कॉन्सेंट्रेट करो। आपको परिवार से फुल सपोर्ट है, आपकी वाणी में बहुत कड़वापन आया हुआ है, उसको भी संभालो। और अष्टम में बैठा राहु आपकी तबीयत ठीक रखे, इसलिए आप जो है खूब सारा पानी पियो, अपने पेट का ध्यान रखो, नहीं तो हर 3-4 महीने में कुछ पेट की प्रॉब्लम ना हो, इसका एमीबॉयसिस से रिलेशन ना हो, पानी से रिलेशन ना हो, इसका ध्यान रखिएगा। आपके काल सर्प योग जो बना हुआ है उसकी वजह से आपको कार्य में और आपको सुख में आधा अधूरापन लगता है, इससे बचने के लिए क्या करना है आपको, आपको श्री गणेश की या हनुमान जी की आराधना करनी है। मकर राशि, मकर राशि के लिए लग्न में बैठा केतु आपके विपरीत स्वभाव का ग्रह आपको देता है बेचैनी आपकी पर्सनालिटी में। हालांकि कार्य की जगह पर भी आप खुश नहीं, आप कर सकते हैं माँ लक्ष्मी की आराधना, दुर्गा माँ की आराधना अपने कार्यों को अच्छा करने के लिए, और अभी अवसर आपको प्राप्त हो रहे हैं उनको ग्रैब कीजिए, उनसे रुकिए मत सोच सोच के, इस वजह से आपके कार्य खराब होते हैं सोचने से। अपने मन की सुनिए, भाग्य की सुनिए, आगे बढ़ के काम थाम लीजिए। और अगर कोई भी आपको ऐसी तबीयत खराब है, अगर आप लेडी हैं या मेरी बहनें हैं जिनको यूट्रस से रिलेटेड प्रॉब्लम है, बीपी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, वो अपनी तबीयत का पूर्ण ध्यान रखें और अपने पत्नी पार्टनर स्पाउस के साथ जो रिलेशन है उनको संभाल के रखें। जो शनि महाराज हैं वो अभी स्वस्थ हैं और वो फिर भी आधा अधूरा आपको कहीं ना कहीं से पैसा देते रहेंगे। कुंभ राशि, कुंभ राशि के लिए आपके लग्न का स्वामी शनि अभी दशम में बैठकर आपको कार्य में बनाता है, जिद्दी एकाग्र करवाता है, लेकिन पूरी तरह आपका ध्यान नहीं लग पाता काम में, क्योंकि वो मंगल के घर में है और आपके जमीन जायदाद से रिलेटेड कोई काम है तो वो रुके हुए हैं। आपके अष्टम में बैठा बुधादित्य योग आपको किसी बीमारी का इलाज देता है और जो गुरु महाराज है आपके भाग्य में बैठे हुए वो आपके भाग्य को रोक रहे हैं। तो बड़ी विपरीत स्थिति है कि आप हर तरह से आगे बढ़ना चाहते हैं और कुछ रुका हुआ सा है, इस स्थिति से बचने के लिए आप कृष्ण राधा की आराधना कर सकते हैं, लीफी वेजिटेबल खाइए ताकि आपका दिमाग सही चले, और फिर दिमाग सही चलने से आपके डिसीजन सही होंगे। वैसे भी आपके षष्ठ में बैठा राहु आपको सपोर्ट करता है विदेश यात्राओं के लिए, विदेश के कामों के लिए, तो वहाँ कॉन्सेंट्रेट कीजिए। अगर देश में काम नहीं होता तो कोई ऐसा काम जिससे इंटरनेट के थ्रू आपको पैसे आए, या बैठे बैठे यहाँ पर आपका विदेश रिलेटेड काम होता हो तो वो करिए। वैसे विदेश जाकर काम करना बहुत ज़्यादा सूटेबल नहीं। मीन राशि, मीन राशि के लिए आपके लग्न का स्वामी गुरु अभी अष्टम में आ गया, आपकी स्थिति बेचैनी वाली, आपकी तबीयत थोड़ी नासाज, डायबिटीज से बचने के लिए आपको शक्कर कम खानी चाहिए। आपका माइंड भी पोल्यूटेड, राहु के वजह से भ्रमित, आपके बच्चे भी भ्रमित, इन सब स्थितियों से बचने के लिए आपको शिव जी की आराधना करनी चाहिए, ढेर सारे लिक्विड्स पीने चाहिए। पत्नी पार्टनर स्पाउस से फुल सपोर्ट है, उनके भाग्य से आपको आ सकता है घरेलू सुख या वाहन या आपकी वृद्धि हो सकती है, आपके मातहत हेल्पर्स लोगों में, और आप खुश रह सकते हैं स्थिति को लेकर। षष्ठ में बैठा मंगल शुक्र आपके विरोधियों का इंतजाम करता है, लेकिन केतु जो है वो आपको मकर का आपको पैसे दिलवा रहा है कहीं ना कहीं से। हालांकि ये आप जितने भी पैसे हैं उसको इन्वेस्ट करेंगे तो वो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं देंगे, क्योंकि गुरु की स्थिति अभी अच्छी नहीं। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी मेष से लेकर मीन राशि तक का राशि भविष्य, फिर मिलूँगी इसी तरह साप्ताहिक राशि भविष्य में। आप सबको बताने के लिए एक बात बता दूं कि ज्योतिष चाहे जितना भी ज्योतिष बताएं, लेकिन प्रैक्टिकली भी अपनी लाइफ को डील करना चाहिए। आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़रूरी है कि टाइम पे सोएं, टाइम पे जगें, अच्छा खाएं, एक्सरसाइज करें, मेडिटेशन करें, योगा करें, और मेरे दूसरे वीडियोस भी आप देखा करें जिसमें मैं आपको इस प्रकार की सब बातों से अवगत कराती रहती हूँ। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी का जो मैं नारा देती हूँ कि पौधे लगाइए, इससे पूर्ण पर्यावरण मतलब अपने क्लाइमेट को फ़र्क पड़ता है। अपने घर में भी आप पौधों की रक्षा कीजिए, पौधों को पानी खुद डालिए, और जिससे आपका व्यवसाय बढ़ेगा, बुध ग्रह की शांति होगी, और साथ ही में आप वृद्धों की सेवा करें, अपने से बुज़ुर्गों का आदर करें, जिससे शनि राहु केतु की शांति होगी। जब आप कोई गलत काम करते हैं तो शनि राहु केतु आपके विपरीत जाते हैं और आप खुद ज़्यादा बेचैन होते हैं। तो
किसी का ना गलत सोचें ना अपना गलत करें। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी सप्ताह का राशि भविष्य। आज के लिए बस इतना ही। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय।